फ्रेंड्स जैसा कि प्रीवियस दो लेसन के अंदर हम लोगों ने uh, अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर टाइप टूल के हवाले से काफ़ी चीज़ें डिस्कस कि uh, और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेसन में ये भी कहा था कि अगले लेसन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम पैराग्राफ uh, टेक्स जो है उसको हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और एडिट करते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर में uh, तो चले चलते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं पैराग्राफ के टैक्स को टाइप टूल की मदद से दोस्तों चले स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ के टेक्स्ट को सबसे पहले मैं यहाँ पे टी लेके यानी कि टाइप टूल की मदद से मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि जब मैं टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पैराग्राफ्स जो हैं वो बने हुए आ जाते हैं जैसा कि मैं आपको पैराग्राफ्स के हवाले से पिछले लेसन के अंदर भी बता चुका हूँ अगर आप इसमें मज़ीद टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो आप दोस्तों यहाँ पे एंटर करके मज़ीद टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं लेकिन उसके लिए याद रहे कि आपको यहाँ से नीचे की तरफ अपने टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा चलें फिलहाल अब हम आगे चलते हैं जी पैराग्राफ वाला जो हमारे पास यहाँ पे एक पैनल मौजूद है इसके ऊपर चलते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ जब हम पैराग्राफ में टैक्स को लिखते हैं ना टाइपोग्राफी में तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टैक्स की अलाइनमेंट हमें आ, पता होना चाहिए कि हमने टैक्स को किस तरह से अलाइन करना है आप लोगों ने जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे और उनमें कभी टेक्सट को लिखा होगा पैराग्राफ्स की सूरत में तो आपको वहां पे भी ये अलाइनमेंट की जो ऑप्शंस हैं ये वहां पे मिली होंगी तो चले इनको एक्सप्लोर करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि टी प्रेस करके मैं यहाँ पे कहीं पे भी अपने पैराग्राफ में क्लिक करूंगा और कंट्रोल ए प्रेस करूंगा ताकि मेरा ये जो सारा टेक्स्ट है ये सिलेक्ट हो जाए अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास मेनली दो पैराग्राफ्स हैं मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक एंटर करके कहीं पे जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा हो मैं एक पैराग्राफ जो है वो बढ़ा लेता हूँ ये देखें मैंने जो है वो तीन पैराग्राफ्स कर लिए हैं ये मैंने इसलिए किया ताकि हम जो पैराग्राफ के हवाले से ऑप्शन देखने जा रहे हैं उनके बारे में हमें जरा डिटेल के अंदर चीजें नजर आए अच्छा जी टी प्रेस किया यहाँ पे कंट्रोल ए की मदद मतलब से सिलेक्शन ली अब यहाँ पे हमारे पास पहली ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट जो कि इस वक्त हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई भी हुई हुई है आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन होगी वो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी दो दोस्तों अलाइन लेफ्ट का मतलब है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पैराग्राफ में अलाइन हो जाएगा अच्छा अलाइन का जो वर्ड है इसका मतलब है प्लेसमेंट और प्लेसमेंट किसी खास चीज के हवाले से यहाँ पे हम जो अलाइनमेंट कर रहे हैं अपने टेक्स्ट की वो अपने पैराग्राफ्स की हवाले से उनके कंपैरिजन में उनके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो ये बात आपने याद रखनी है अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ये अलाइन सेंटर इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट है ये सारा सेंटर के अंदर अलाइन हो गया अगर मैं बाहर क्लिक करके आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो अब थोड़ा सा बाहर की तरफ नजर आ रहा है और टेक्स्ट जो है मेरा वो सेंटर में अलाइन हो गया नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी अलाइन राइट right. जैसे ही हम अलाइन राइट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा टेक्स्ट राइट साइड पर पैराग्राफ में अलाइन हो चुका है अच्छा जी इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जस्टिफाई की जस्टिफाई का मतलब होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसके किनारों के साथ यानी उसकी वॉल्स के साथ जाके जो है वो टच कर देता है और उसके साथ प्लेस हो जाता है यानी कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो पूरा भर जाता है उस टेक्स्ट से अब ये जैसे ही हम कंट्रोल ए करके इसको जस्टिफाई करते हैं विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट अब ये जो लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट है इसका मतलब है कि बाकी सारा पैराग्राफ तो जस्टिफाई होगा जबकि जो लास्ट लाइन है ये लेफ्ट अलाइन होगी अच्छा जी आगे देखते हैं जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन सेंटर इसका क्या मतलब है कि बाकी सारा पैराग्राफ जो है वो जस्टिफाइड है कॉर्नर्स के ऊपर है और जो लास्ट लाइन है पैराग्राफ की हर पैराग्राफ की याद रखें यह हर पैराग्राफ की लास्ट लाइन के साथ ऐसा ही होगा वो इस वक्त सेंटर अलाइन हो गई है इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम जस्टिफाई कर सकते हैं लास्ट लाइन को राइट right अलाइन के साथ यानी के हमारी जो लास्ट लाइन है वो राइट right एच के ऊपर पैराग्राफ में जाके अलाइन हो जाएगी अच्छा जी इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जस्टिफाई ऑल लाइंस हम जैसे ही जस्टिफाई ऑल लाइंस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बाहर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी कुछ लाइंस ऐसी हैं हमारे पैराग्राफ्स के अंदर जिनके अंदर स्पेसिंग जो है वो अपने आप कम ज़्यादा हो गई है और जो टेक्स्ट है ये हमारा तमाम का तमाम एजेस के ऊपर चला गया तो आम तौर पर पैराग्राफ के साथ जब हम पैराग्राफ को डील कर रहे हो फॉर्मेट कर रहे हो तो प्रेफर ये किया जाता है कि ऑल जस्टिफाई करने के बजाय आप जो है जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट या राइट right के जो ऑप्शन है उसको चूज करें तो आपका जो टेक्स्ट है वो ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे नजर आएगा अच्छा जी इसके नीचे हमारे पास कुछ और मजदीद ऑप्शन है इनको कर लेते हैं लेफ्ट इंडेंट दोस्तों ये इंडेंट का मतलब ये है कि अगर मैं लेफ्ट इंडेंट की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड से बॉक्स में अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा ये आप देख सकते हैं इसी तरह अगर मैं ये नेक्स्ट ऑप्शन है जी राइट right इंडेंट की अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स है वो बाहर रह गया और मेरा जो फॉन्ट है वो अंदर की तरफ सुकड़ता जा रहा तो ये है हमारी लेफ्ट इंडेंट और राइट right इंडेंट इसको फिलहाल मैं वापस जो है वो ज़ीरो की वैल्यू पे लेके जा रहा हूँ ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो वापस अपनी असल हालत में आ जाए इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये एक ऑप्शन अवेलेबल है जी फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट देखते हैं ये क्या है ये बहुत मजे की एक ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों अक्सर आपने बुक्स के अंदर देखा होगा कि बाकी पैराग्राफ तो जस्टिफाई हुआ होता है कॉर्नर्स के ऊपर अलाइंट होता है लेकिन जो फर्स्ट लाइन होती है वो सिर्फ बाकी पैराग्राफ से थोड़ा सा आगे आई होती है तो ये वाली ऑप्शन हमें यहाँ से इस टूल की मदद से मिल सकती है अच्छा जी मैं यहाँ पे कंट्रोल जी कर रहा हूँ और अब मैं आगे बढ़ता हूँ आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है जी दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो और बड़ी मज़े की छोटी सी ऑप्शन हैं स्पेस बिफोर पैराग्राफ दोस्तों अगर हम चाहें कि हमारे जो पैराग्राफ्स हैं उनके बीच में इक्वल स्पेसिंग ऐड हो जाए तो हम इस वाली ऑप्शन को चूज करते हैं ये टेन मैंने स्पेस जो है वो लगा दिया तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है पैराग्राफ्स हैं उनके तमाम पैराग्राफ्स के बीच में एक जितनी इक्वल बैलेंस स्पेस आ गई है इसी तरह से अगर मैं इसके जो सामने हमारे पास है जी स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पहली वाली ऑप्शन को मैं ज़ीरो कर रहा हूँ और अब ये जो दूसरी ऑप्शन है स्पेस आफ्टर पैराग्राफ की इसको मैं बढ़ा रहा हूँ बेसिकली ये दोनों काम एक ही करते हैं तो बेशक आप बिफोर में ऐड कर लें या आफ्टर में ऐड कर लें मकसद उसका वही है और उससे काम जो है वो वही लिया जाएगा अच्छा जी मैं यहाँ पे टेक्स का साइज थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ इसको मैं लेके जा रहा हूँ जी टेन से फोर्टीन पे और मैं वापस आता हूँ पैराग्राफ पे यहाँ पे एक चेक लगा हुआ है हाइफनेट अगर मैं इसको अनचेक करूं तो आप देखें यहाँ पे वो वर्ड्स जो कि वापस मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कुछ वर्ड्स डैश की मदद से जो कि इनकम्प्लीट रह गए थे वो डैश की मदद से आगे चले गए हैं और आधा वर्ड स्प्लिट होके नेक्स्ट लाइन में चला गया अगर हम ये हाईफोन के ऑप्शन को अनचेक कर दें तो दोस्तों ये जो वर्ड्स हैं हमारे वो पूरे पूरे एक लाइन के अंदर आ जाएंगे और ये टैक्स हमारा जो है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अच्छा जी ये तो थी हमारी पैराग्राफ टेक्स के हवाले से जो ऑप्शन हमने स्टडी करनी थी टाइप टूल को लेके अब मैं कुछ और टाइप टूल के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं इनको आपको बताना चाह रहा हूँ एक ये हमारे पास ऑप्शन है जी एरिया टाइप टूल जैसे हम ये टाइप वाले टूल पे आके क्लिक करते हैं होल्ड करके रखते हैं तो हमारे पास आता है जी एरिया टाइप टूल ये एरिया टाइप टूल क्या है दोस्तों मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं एरिया टाइप टूल लेके इसके कॉर्नर पे आके क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसके कॉर्नर पे आके क्लिक किया तो ये जो मेरा टेक्स्ट था ये मेरे इस बॉक्स के अंदर जो है वो फिल हो गया यहाँ से मैं पैराग्राफ वाली जो ऑप्शन हैं उनको मैं रख रहा हूँ जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट या चलें इसको अलाइन लेफ्ट ही कर लेते हैं बल्कि इसको अगर हम जस्टिफाई ऑल करें तो ये हमें फायदा ही होगा कि हमारा तमाम जो शेप है वो हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इसमें थोड़ी सी हम स्पेसिंग जो है वो हम कम कर लेते हैं और साइज भी हम थोड़ा सा जो है वो छोटा कर लेते हैं इसको मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट को मैं इसको कॉपी करके अगर मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये देखिएगा कि ये मेरे जो बॉक्स है ये फिल हो गया दोस्तों ये आ, बेसिकली टूल करता ये जैसे कि आप देख चुके हैं कि ये कोई भी शेप जो आप बनाएंगे उसके अंदर ये टेक्स्ट को जो है वो क्रिएट कर देगी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पेन टूल की मदद से यहाँ पे एक अपनी मर्जी की कोई सी शेप क्रिएट कर लेता हूँ ये देखें ये एक मैंने शेप क्रिएट कर ली अब मैं यहाँ से आता हूँ एरिया टाइप टूल पे और यहाँ पे आके एज के ऊपर दोस्तों याद रखें एज पे आपने क्लिक करना है अगर अंदर क्लिक करेंगे तो फिर वो नहीं आएगा जो हम चाह रहे हैं अब ये देखें ये हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सी शेप बन गई है इसके अंदर टेक्स्ट हमारा बाउंड हो गया है यहाँ पे अगर हम ला के रखना चाहें तो हम यहाँ पे एक सर्कल छोटा सा रख सकते हैं अब ये देखें ये एक लेआउट सी हमारी बन गई है टेक्स्ट के हवाले से जैसे किसी भी मैगजीन वगैरह के ऊपर टेक्स्ट हमें पेजेस पे नजर आता है चलो जी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और ये टाइप ऑन अ पाथ टूल की एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है इसको ज़रा देखते हैं दोस्तों टाइप ऑन अ पाथ टूल क्या करती है कि अगर आप कोई सा भी पाथ क्रिएट करें तरह मैं यहाँ पे पेन टूल की मदद से एक ही छोटा सा पाथ क्रिएट करता हूँ और मैं स्ट्रोक ले लेता हूँ और फिल को मैं नन कर देता हूँ इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ यहाँ आके मैं क्लिक करता हूँ जी टाइप ऑन अ पाथ टूल से और इस पे यहाँ पे पूरे अपने पाथ के एग्जैक्ट ऊपर आके मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखे मेरे पास टेक्सट लिखा हुआ आ गया इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं कर देता हूँ जी डी जी स्के ग्राफिक डिजाइन कोर्स ये देखें कितना खूबसूरत एक पूरी कर्व के अंदर हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताता चलू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैं पिक करता हूँ यहाँ पे ये मुझे कुछ लाइन सी नजर आ रही है दोस्तों ये जो मेरे पास लाइन है इसको अगर मैं पीछे की तरफ लेके आऊँ तो ये देखें मेरा ये जो टेक्स्ट है ये पाथ पे पीछे की तरफ आ गया है इसी तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद मतलब से मैं इस वाली अगर कर्व को थोड़ा सा लाइन को आगे लेके जाऊँ तो ये देखें मेरा फॉन्ट जो है वो टेक्स्ट जो है वो आगे की तरफ चला जाएगा बेसिकली इस ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि अपने टेक्स्ट को पाथ के ऊपर अपनी मर्जी से प्लेस कर सकते हैं जिस तरह अगर मैं यहाँ पे सेंटर वाली ऑप्शन से लेके इसको मैं इस तरह से मूव करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पाथ के ऊपर जहाँ मैं चाह रहा हूँ मेरा जो टेक्स्ट है वो मूव करता जा रहा है अच्छा ये बाकी टेक्स्ट मुझे इसलिए नहीं नज़र आ रहा ये रेड एरो की मुझे ऑप्शन आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो है वो तो मेरा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया पाथ छोटा रह गया और टेक्स्ट बड़ा हो गया तो दोस्तों इस तरह हम पाथ बना के कोई भी उसके ऊपर टैक्स को प्लेस कर सकते हैं अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती लेकिन मैं जल्दी से आपको क्विक ओवरव्यू देता हूँ वर्टिकल टाइप टूल ये बेसिकली टाइप टूल जो है वर्टिकल टाइप टूल ये वर्टिकली टेक्स को जो है वो टाइप करता है और इसी तरह से यहाँ पे वर्टिकल एरिया टाइप टूल है ये हम किसी भी एरिया के ऊपर यानी किसी भी शेप के ऊपर यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं और यहाँ पे आके अगर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखें वर्टिकल जो टाइप है वर्टिकल टैक्स उसमें एंटर हो जाएगा इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ पैराग्राफ के हवाले से वो ये कि हम बाजुकात कॉलम के अंदर टेक्स्ट को लिखते हैं फ़र्ज किया ये मैंने एक कॉलम लिया ठीक है अगर इस कॉलम को मैं कॉपी करना चाहूँ तो मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे यह देखें हम इस कॉलम को बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपनी मर्जी से दोस्तों कॉलम के अंदर टेक्स्ट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि समटाइम्स जो टैक्स इसने अखबार के अंदर पढ़ा जाता है स्ट्रेट वर्ट हॉर्जोंटल लाइन के अंदर टैक्स अगर ज़्यादा हो तो वो पढ़ते हुए कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है इसलिए कॉलम के अंदर हम जो है वो टैक्स को लिख सकते हैं तो इसको अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट होल्ड करूँ और शिफ्ट होल्ड करूँ तो मैं इस कॉलम को जो है वो रिपीट भी कर सकता हूँ इस तरह से हम डिफरेंट किस्म के कॉलम जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं तो ये आपने देखा कि पैराग्राफ टैक्स को हम किस तरह से डील करते हैं और कुछ और ऑप्शन मैंने आपको टाइप टूल के हवाले से भी आज बताई हैं